तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से FCI के जो खिलाफ है वो नारेबाजी लगाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल। आज हम खड़े गए FCI के गोदाम में, खाद्य जो पूर्ति विभाग का जो निगम का जो दफ्तर है वहाँ पे। यहाँ आरतियों की कुछ समस्याएं गए हैं और जो अभी बता दें गेहूं की जो परचेज हुई है उसको लेकर जो फूड सप्लाई जो विभाग है इनकी कोई शिकायत है और ये कह रहा और आरतियों का वहाँ पे कहना है कि जो माल गए वो आप डायरेक्ट, यदि उसमें कोई कमी गए तो डायरेक्ट किसानों को भेजें और हमारे पास वो न लाए, उसी को लेकर चर्चा चल रही है। आखिर क्या बातचीत गए इस बारे में, यहाँ पे जो खड़े गए आरती इन लोगों से जान लेते हैं आखिर है क्या ये समस्या। हमारे जो साथ हैं वो लांबा जी गए जो कच्ची आरती जो यूनियन का उसके प्रधान है। लांबा साहब, क्या है ये मामला, आखिर किस लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सारे व्यापारी? ये हमारा आड़तियों के ट्रक रोके हुए हैं यहाँ पे जी, जो फार्मर्स के आड़तियों का। हम तो एक वो सरकार तो हमें बिचौलिया कहती है लेकिन ये फार्मर्स के ट्रक हैं। अब ये वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उस माल को जो यहाँ पे मतलब अफसरों ने खरीद गए बिडिंग में, यहाँ पे मंगवा लिया, अब ये वापस भेज रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई माल सीधा किसानों के यहाँ भेजो, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, माल हमारी दुकान पे क्यों जा रहा है वापस? हम वापस जाने का भी किराया किस लिए दिए, खर्चा क्यों दें हमें? जबकि ये मतलब आसमानी आपदा है भाई, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, अंडरसाइज दाना रह गया, पूरे हिंदुस्तान वर्ष में ये दिक्कत है। ये बेमतलब की आड़तने अड़ा रहे हैं अफसर लोग। तो जिस वक्त इन्होंने विभाग ने खरीदारी की है उस वक्त देख के नहीं खरीदा? बिल्कुल देख के खरीदा जी, क्वालिटी और क्वांटिटी फट पे चेक होती है, वहां से लद के यहाँ तक आ चुका है। इनके अफसरों ने खरीदा जबी तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आके रिजेक्ट कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं वापस भेज दो, किसानों का यहाँ भेज दो वहाँ पे, जिनके खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो यहाँ आने के बाद क्या कमी? अब वो रंगा जी हैं जो यहाँ पे इंचार्ज हैं FCI गोडाउन के, वो देखने गए हैं। अगर मैं दोबारा रीचेक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। प्रधान जी क्या कहेंगे, जैसा कि लांबा जी ने बताया है अगर ऐसा ये नहीं होता, आपकी बातें नहीं सुनी जाती, तो उसके बाद आपका क्या डिसीजन रहेगा आगे का? हमारे को डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, हम किसानों को यहाँ बुलाएंगे, किसानों का माल है। वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर, हम तो केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पैसा डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहा है। आड़तियों को जो आड़त 2.5% मिलती थी वो भी कम कर दी गई है। हमारा काम है किसान का माल जो मंडी में प्लेटफार्म पे आया उसको साफ कराना, अगर साफ नहीं है तो उसकी फिलिंग कराना, उसकी स्टिचिंग कराना, उसको लोड करना, हमारा इतना ही काम है। उसकी एवज में सरकार हमारे को 46 रुपये क्विंटल देती है। वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर, अगर माल तारना तो किसान के यहाँ तारे, जिस किसान का माल खरीदा है, जो माल ऑक्शन पे खरीद लिया जिसका गेट पास कट गया उसको रिजेक्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सरासर जो है आड़तियों के साथ जबरदस्ती की जा रही है भाई, फार्मर के नाम पे। फार्मर के पास तो कोई जाएगा नहीं, फार्मरों ने तो जो है डिप्टी CM की रैली नहीं होने दी नारनौंद में, अगर यहाँ फार्मर आ गए तो कहाँ जाएंगे? FCI का मतलब था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आपको बताता हूँ FCI का मतलब है फूड करप्शन ऑफ इंडिया। जितना भ्रष्टाचार FCI में है इतना तो किसी महकमे में नहीं है। आज यहाँ आड़तियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, धूप में 4-4 घंटे हो गए, 5-5 घंटे हो गए खड़े, हमने माल फूड सप्लाई को दे रखा है। आप फूड सप्लाई से बात करो, जिसने वहां से माल चेक करके और गोडाउन में ले आया उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एजेंसी करेगी बात, जिस एजेंसी ने सरकार को डिलीवरी देनी है आगे FCI को, हमारा तो इससे आगे कोई रोल ही नहीं है। आज आपको बता दूं पूरे भारतवर्ष में जो प्रधान जी लांबा जी कह रहे थे दिक्कत हुई है गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी ऑल ओवर हरियाणा माल और स्टेट से अच्छा है। इन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए। आज मॉइस्चर 8.5 है, आप इनके रजिस्टर चेक कीजिए जिसके ऊपर 11.5, 11.6, 11.7 लिखा पाएगा, क्योंकि उसके बाद इनको गेन खानी है उसमें। हम तो कुछ बोल नहीं रहे, व्यापारी चाहता है अपना काम शांति से करना, व्यापारी की इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है भाई, व्यापारी को जो है आराम से अपना काम करने दिया जाए और हम जो है अपना सुख शांति से काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को निगाह भी करा रहा हूं और प्रार्थना भी कर रहा हूं, जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। आज आपको बता दूं किसान अन्नदाता है और देश का अन्नदाता कौन है? किसान। और व्यापारी भाग्य विधाता है देश का, और आज व्यापारियों की ऐसी दुर्गति,
और आज जो है बड़े बड़े व्यापारियों को जो FCI के गोदाम में इस तरीके से मतलब जो है टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। अगर इस बात का हल नहीं हुआ तो हम जो है धरना भी करेंगे, मंडी को बंद भी करेंगे, किसान यूनियन को भी यहाँ बुलाएंगे। थैंक यू सर। आपने सुना जैसा कि इन्होंने कहा कि यदि इनकी समस्या का हल नहीं होता है, आज यहाँ FCI के जो डाउन गए इसमें पहुंचे हैं, तो इसके बाद वो मंडी बंद कर सकते हैं, पूरा चक्का जाम कर सकते हैं, यहाँ तक कि हरियाणा का भी चक्का जाम आढ़ती एसोसिएशन और किसान के साथ मिलकर ये लोग कर सकते हैं। आप देखते रहिए एंटी नेशनल। मैं अनुराग सिंह अभी बात करेंगे जो यहाँ के अधिकारी है उनके पास आपको लिए चलते हैं। तो प्रदीप जी हमारे साथ जो इंस्पेक्टर है फूड सप्लाई के, इनसे जान लेते सर किस प्रकार की समस्या है जो आरती आज यहाँ पे आए हैं। ये समस्या इस प्रकार की है, गर्मी जल्दी होने की वजह से मार्च के महीने से गर्मी स्टार्ट हो गई थी और अनसरीवल्ड ब्रोकन ग्रेन और अनमेच्योर दाना जो होता है गेहूं में स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 6% अलाउड है और अभी टीम चेक करके गई है और मंडियों में भी सैंपल लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर, वो श्रीविल्ड ब्रोकन और अनमेच्योर ग्रेन 6 से ऊपर आ रहा है, जो कि 7 से लेके 10-12% तक है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सेंटर को चिट्ठी भी लिख दी है कि रिलैक्सेशन प्रदान की जाए ताकि सुचारू रूप से गेहूं खरीद की लिफ्टिंग हो सके। सर जब आपने खरीदा उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं जांची गई, परखी गई? देखने से ढेर में गेहूं होता है, स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक लग रही थी, इस वजह से सारी मंडियों में थ्रू आउट हरियाणा सारी मंडियों में खरीद सुचारू रूप से जारी थी। ये दिक्कत अभी 1 या 2 दिन से आई है, उससे पहले FCI के गोडाउन में भी हमारे 2 लाख 2 लाख कट्टे लिफ्टिंग हो चुके हैं, उस समय ये दिक्कत नहीं थी जो कि स्टोरेज इजिली हो रही थी। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे डिसीजन लिया गया है? डिसीजन अभी आरती प्रधान आए हुए हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई काम चलाया जाए, जो जिसमें ज्यादा अनमेच्योर दाना है या दिक्कत है उन कट्टों की छटाई करके बाकी कट्टे उतारे जाएं ताकि मंडी की लिफ्टिंग सुचारू रूप से जारी रहे। तो अभी ये जो माल वापस जाएगा डायरेक्ट आढ़तियों के पास जाएगा फिर किसानों के पास भेजेंगे? नहीं नहीं, ये माल जाएगा आढ़तियों के पास जी। नहीं, आढ़ती तो इसको लेने से इनकार कर रहे हैं। आरती लेने से इनकार रहे हैं, इसका इसी समाधान के लिए हम आए हुए हैं ताकि विद इन स्पेसिफिकेशन वाली तो यहाँ उतरवाई जाएंगी, बाकी दिक्कत है उनकी छटाई करवा के कम से कम जो रिजेक्ट है वही वापस जाएंगी और उनके बदले दूसरे कट्टे इनको दिए जाएंगे। अफसरों से तंग आके यहाँ पे ये बारी बारी गाड़ियां रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी ना हम इन गाड़ियों को वापस लेंगे, ये सीधे किसानों को भेजें और हम मंडी में परचेज बंद कर रहे हैं मंडी एसोसिएशन। थैंक यू सर जी। प्रधान जी, हम जो लोग सोचते थे फूड कारपोरेशन जो सबसे बड़ा महकमा है, FCI फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI का मतलब है फूड करप्शन ऑफ इंडिया, जो जितना गदर इस महकमे में उतरा है कहीं नहीं उतरेगा। व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल साफ माल है, वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर, हम सिर्फ जो है किसान और सरकार के बीच में एक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसके बाद व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता अनिश्चित काल के लिए आसी की मंडी बंद है, लोडिंग भी बंद है, खरीद भी बंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से FCI के जो खिलाफ है वो नारेबाजी लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो आर्थिक है इनमें रोज देखने को मिल रहा है और काफी आक्रोशित ये लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि हांसी की जो अनाज मंडी है उसमें अब खरीदारी बंद कर दी गई है, आज से ही ये नियम लागू कर दिया गया है, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हांसी की जो अनाज मंडी है वो बंद करने का इन लोगों ने आढ़तियों ने फैसला ले लिया गया। आप देखते रहिए एंटी नेशनल, मैं अनुराग सिंह।